हेलो दोस्तों, पाठशाला के हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ, जो कि है DSSSB के एग्ज़ाम रिव्यू से रिलेटेड प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। क्योंकि पैटर्न जो DSSSB ने फॉलो किया है, लगभग सेम ही पैटर्न चलता आ रहा है, तो ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल वीडियो है। जिन्होंने भी अगर अभी तक भी नहीं देखा है कोई कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहा है, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और इसमें मैंने सिर्फ 16-17 जैसे जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं LDC के हुए थे, फिर एक असिस्टेंट का 19 को असिस्टेंट का था, असिस्टेंट वाला था, और फिर ग्रेड 4 का 20 का ये मुझे कल मिला। तो मैंने इसे समअप करके एक समअप वीडियो है। इसमें आपको जितने क्वेश्चंस आए हैं प्लस मैंने जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड हो सकते थे, तो वो भी मैंने इसमें जिक्र किया है इसको लेकर, ताकि आपकी मतलब आपको ज़्यादा इसमें परेशानी ना हो और एक आइडिया आपको ज़रूर मिल जाए, एक रफ आइडिया कि हाँ क्वेश्चंस मुझे करने कहाँ से हैं। तो मैंने जो बताया है वो आपको करना तो करना ही है, और इसके अलावा भी आपको उस एरिया को पकड़ लेना है, क्योंकि एक आइडिया आपको यहाँ से मैं दे रहा हूँ कि क्वेश्चंस ये तो बने हैं, ये जो क्वेश्चन आए हैं वो तो आए हैं, ठीक है, लेकिन इनसे जो जो क्वेश्चंस और बन सकते हैं वो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जैसे कि क्योंकि अभी एग्ज़ाम डास ग्रेड 4 वाला अभी एग्ज़ाम्स अभी 24 तारीख से स्टार्ट होगा और 4 अक्टूबर तक है, और भी DSSSB का अभी तो वैकेंसी आपने देखी ही होगी कि वैकेंसीज कितनी आ रही हैं, लगभग 900 के रेंज में कुछ वैकेंसीज है। तो उसमें भी टीचर वाले में भी आपके ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे, क्योंकि DSSSB जो एरिया पकड़ रही है ये आप देख सकते हैं। अगस्त में भी जो क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि मैंने पिछले वीडियो में जो भी अगस्त का है उसका जो समअप वीडियो दिखाया था, उसमें उसी तरह के क्वेश्चंस लगभग आए थे। तो सबसे पहले उनका थैंक्स, जैसा कि मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन जो जो स्टूडेंट मुझे बताते आते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है। दो स्टूडेंट का और नाम है जो कि कल मुझे बताया, तो उनका मैं नाम इस पर मेंशन नहीं कर पाया। सूरज प्रकाश थैंक यू, रश्मि जी थैंक यू, विक्रम थैंक यू, एक शिल्पी कौन थी शिल्पी शायद थी, थैंक यू सो मच, आप लोग की सहायता से क्वेश्चंस मिलते गए हैं, ताकि एक बेसिक आइडिया इन लोगों के स्टूडेंट के हिसाब से है। यहाँ अभी मुझे तीन से चार बंदे का और नाम यहाँ पे है, मैं अगर हो मैं कोशिश करूँगा या कमेंट बॉक्स में मतलब ये दे दूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपके ही चलते ये क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। अब इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आप जो जो एग्ज़ाम देते जाएंगे, एक रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी, क्वेश्चन आए और ज़रूर यहाँ पे मेंशन करें मेरे कमेंट बॉक्स में, ना हो तो जीमेल पर मुझे सेंड कर दें, जो कि streetwalk007@gmail.com है। तो ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो देखें फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं, जो क्वेश्चन आया था ये लगभग 16, 17, 18 इस सब मिक्सअप है, ये समअप वीडियो है, इसको ऐसा ना लेके सर कि कब का हुआ है कब ना हुआ है। 16 से मतलब है ये क्वेश्चन आया हुआ है इस तरह का, और उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो विंबल्डन ओपन 2019 का जीता था मेल में नोवाक जोकोविच। मैंने इसे देखा कि एक शॉर्ट ट्रिक इन्होंने बनाया हुआ था, तो इसको अगर मैं भी आपको याद कराना चाहूँ तो ऐसे ध्यान दे देना आप। तो यहाँ मैं इस चीज़ का क्लेम नहीं लूँगा, बिकॉज ये मैंने नहीं बनाया है, मैंने भी यहाँ कहीं से सीखा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, AFW पहले A आता है, फिर F आएगा, फिर U आता है, लेकिन यहाँ W को आपको एक्सचेंज करना है WU में। तो A से होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, F से होता है फ्रेंच ओपन, W से होता है विंबल्डन ओपन, और USA होता है US ओपन। ये चारों सीरीज होती है, जो कि इन्हें ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, टेनिस का सबसे प्रमुख ये ग्रैंड स्लैम होता है। यही चारों का जो विजेता होता है वो ग्रैंड स्लैम विजेता कहलाता है। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ, जैसे कि विंबल्डन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इससे जो नोवाक जोकोविच ने जीता, यहाँ देख सकते हैं AFW, ऐसा करके आपको याद करना है। ये जो मैंने NR लिखा हुआ है, इन्होंने जिन्होंने कौन सा वीडियो है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट NR उन्होंने शॉर्टकट दिया था कि N आपको याद रखना है नोवाक जोकोविच के लिए, और R से याद रखना है राफेल नडाल के लिए। इन्हीं दोनों ने मिलकर ये चारों जो आपके ग्रैंड स्लैम है उन्होंने ये इन्हीं दोनों ने जीता है। तो मेल में आपको याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, NR करके आप याद कर लेना। N से नोवाक जोकोविच, और R से राफेल नडाल, और N से नोवाक जोकोविच, फिर राफेल नडाल। और वुमेन के लिए आपको याद रखना है, तो वुमेन ऐसे रख लीजिए कि लोगों की महत्वाकांक्षा होती है लड़कियों की ज़्यादातर, कि नासा में जाए, मतलब किसी तरह रिलेट करने के लिए कि नासा लड़की से जुड़ा हुआ है, नासा, या उल्टा करके देखें तो नासा जैसे नासा के साइंटिस्ट हैं। तो इसको किसी तरह कोशिश कीजिए कि वुमेन से इसको रिलेट कर लें, और तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि N से हो जाएगा नाओमी ओसाका, फिर A से आपका
एसली बाटली ऐसे करके हैं, ठीक है। फिर एस से होगा सिमोना हालेप, आपको मैंने जस्ट बता दिया है कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। फिर ए से होता है एंड्रूज बियांका एंड्रूज करके, ठीक है, ये याद रखेंगे ज़रूर से आप। ये आप सेट करके आप इसको अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लें, ताकि अब आपसे पूछा जैसे कि फ्रेंच ओपन में महिला में किसने जीता था, तो डायरेक्ट आपको याद रहेगा नासा, तो एन ए ए एसले बार्टी, ये याद आ जाएगा नाम, आप ऑप्शन में देखोगे आपको मिल जाएगा। तो 2019 2000 ये आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो इनसे जो भी क्वेश्चन, आप 8 क्वेश्चन इससे एक्सपेक्टेड हैं, ये बनेंगे, आप बना सकते हो। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें अगर आपको अच्छा लग रहा हो, ताकि आगे अगर समअप वीडियो चाहिए, ताकि ये जो आने वाले सारे एग्ज़ाम में ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि जैसे जैसे रेगुलर में अगर लोग बताते जाते हैं, तो मैं रेगुलर वीडियो ज़रूर लाऊँगा, कोशिश करता हूँ। लेकिन ऐसा वीडियो आपके लिए ऑलवेज, जो भी DSSSB के एग्ज़ाम है, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि क्या और इसमें इम्प्रूव करना चाहिए ज़रूर से मेरे, लेकिन वीडियो देखने के बाद, क्योंकि यहाँ आपके आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। एक क्वेश्चन आया था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, शायद INC से क्वेश्चन आया हुआ था। तो एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। तो कहाँ हुआ था, अब ये अगर पूछ सकता है तो कहाँ हुआ था, तो बॉम्बे में हुआ था। किसने किया था, तो AO ह्यूम ने किया था, जो कि एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, ठीक है। ये भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। और फिर यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो WC बनर्जी। और उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन, ठीक है। मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है, तो बदरुद्दीन तैयब जी, जिनको ये मुस्लिम पहले प्रेसिडेंट रहे थे। तो एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के हिसाब से ये ज़रूर इतना फैक्ट तो आपके यहाँ से याद रखने चाहिए। एक तो ये एस्टेब्लिशमेंट आ गया आने वाले एग्ज़ाम में, और भी इससे वास्ट कुछ हो सकता है, बट इतने याद ज़रूर रख लीजिएगा। मैं एक आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ कि उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट है, आप यही मत रुकें। और भी अगर आप INC से रिलेटेड और फैक्ट पढ़ लेते हैं, तो ये आपके लिए सेफ जोन होगा। मैं जस्ट कुछ आपको आइडिया देने के लिए कि कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड कर लिए हैं, कि ये आप ज़रूर से पढ़ लेंगे। फिर क्वेश्चन शायद बैटल ऑफ पानीपत से आया था, जैसे उन्होंने मुझे बताया कि बैटल ऑफ पानीपत से आया, तो मैंने तीनों बैटल को यहाँ लिख लिया है कि पहला बैटल जैसे हुआ था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 में, तो शायद ना किनके बीच हुआ था ऐसा था, तो आप सब याद रखेंगे कि पहला बैटल पानीपत हुआ था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 में। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1556, 30 साल के बाद, उसके जस्ट 30 बाद। तो आप जानते हैं कि बाबर का बेटा हुआ था कौन, हुमायूं का बेटा था अकबर। तो एक ऐसा पैटर्न याद रखेंगे, तो लगभग आपका जो हुमायूं था, तो हुमायूं लगभग 40-41 के रेंज में वो उनकी मृत्यु हो गई, नहीं मतलब सक्सेसफुल राजा नहीं थे वो, सॉरी, हाँ, शेर शाह सूरी ने उनको यहाँ से खदेड़ भगाया था, ठीक है, बैटल ऑफ बिलग्राम में, जो बैटल ऑफ कनौज और बिलग्राम जो बोलते हैं, 1540 में हुआ था, 1540 में। तो उसके बाद 1556 के रेंज में ये ना 1554 जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, वो 1556 में हुआ। तो उस समय अकबर लगभग 14 ईयर के थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपके जितने भी क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड इस रीजन से बन सकते हैं, अब कोई भी बैटल हुआ आया हो, तो आपको मैंने यहाँ से एक ओवरव्यू दे दिया है, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो याद कर लें आप, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखें, आपको एक कॉन्फिडेंस मैं दिलाकर रखूँगा, जैसा कि मैंने ये वाला अभी ये बताया, विंबलडन वाला हो गया, INC से रिलेटेड हो गया, एक कॉन्फिडेंस अगर आप नहीं भी कुछ पढ़े हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आपको बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1761, ये लोग भूल जाते हैं, क्योंकि 1556 के बाद से डायरेक्ट आ रहा है 1761, डायरेक्ट हो रहा है 1556 से लेकर 1761 में, अफगान ने हराया था मराठा को। अब अफगान की तरफ से कौन थे, अहमद शाह अब्दाली थे, याद रखेंगे, अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हराया था। इसी के बाद से कहा जाता है कि एक स्पेस क्रिएट हो गया था ब्रिटिशर्स के लिए अपने पैर जमाने का। तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था यहाँ, जैसे मैंने किया था, इसके बाद से ब्रिटिशर्स के पैर यहाँ जम गए थे। तो और बैटल ऑफ प्लासी 1757, तो ये मैंने एक्सपेक्टेड इसमें जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो डाला है। बैटल ऑफ पानीपत से क्वेश्चन था, तो मैंने सारे उसमें कवर कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। ये अब आते हैं कुछ अलग, ये देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से शायद क्वेश्चन था कि शायद बना कब था या कैसा था, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले आप ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, इनमें ना कमेटी में इनको मिलाकर, BR अंबेडकर को मिलाकर 7 लोग और थे, ठीक है। तो ये भी पूछता है कि कौन कौन उनके साथ में मेंबर थे,
तो बी आर अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करके मैं बता रहा हूँ। इसको बनने में पूरे 2 साल 11 मंथ 18 दिन लग गए थे, अडॉप्ट किया गया था ये 26 नवंबर 1949। जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये आइडिया नहीं तो मे बी ये अमेंडमेंट से क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा अमेंडमेंट में आया था, तो यहाँ लोग कन्फ्यूज होते हैं। ये ध्यान रखेंगे आप कि जो सबसे 100 के बाद से पहला ही काम जो हुआ वो 101 में था, जीएसटी अमेंडमेंट, जीएसटी का आना अमेंडमेंट 1 जुलाई 2017 को ये लागू हो गया था, तो 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट कर दिया गया पूरे देश में, ठीक है, सारे देश को मनाया गया था, तब जाके जीएसटी ये लागू हो गया पूरा देश में, ठीक है। तो 101 अमेंडमेंट था ये, और कभी कभी पूछता है कि अमेंडमेंट बिल कितना था, तो अमेंडमेंट बिल के हिसाब से अगर आप याद रखेंगे तो वो 122। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान जरूर से ज़रूर रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं इससे जो क्वेश्चन रिलेटेड थे, ये वही क्वेश्चन आपके जो भी रिलेट करते हैं इसके हिसाब से आ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं NCBC भी एक आया हुआ था, जो अमेंडमेंट हुआ है 102, मतलब 102वां अमेंडमेंट जो हुआ है वो NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को लेकर आया हुआ था, तो वो आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें, ठीक है, कि आपको 101 तो याद हो गया, अब 102 भी याद रखना है और 103 भी याद रखना है। 103 आपका EWS का था, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिसमें 10% रिजर्वेशन जनरल कैंडिडेट्स के लिए भी रखा गया है जो कि इकोनॉमिकली वीकर हैं, है ना, तो वो भी क्वेश्चन शायद आया हुआ है घुमा फिरा कर, तो वो कौन सा अमेंडमेंट है, 103 है या 4 है, ये आप ना एक सीरीज वे में आप जरूर से एक बार ना इसको क्रॉस चेक कर लें, ठीक है, और इसके बिल के साथ याद रखेंगे कि कौन सा बिल था, क्योंकि पहले पास कराने के लिए हमारे ये संविधान का मतलब ये है, पार्लियामेंट में पास कराना पड़ता है, ये आप जानते हैं, आपने उतना पढ़ा, तो बिल पास नहीं हुआ तो कोई कोई बिल पास नहीं होता है, तो 122 बिल था लेकिन 101 ही पास हुआ, उसके हिसाब से ये 101वां अमेंडमेंट हुआ उसके हिसाब से था, ठीक है, तो दोनों याद रखना इम्पोर्टेंट है एग्जाम के फेवर के हिसाब से, ठीक है। व्हेन डिड खेड़ा सत्याग्रह टेक प्लेस, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो इससे रिलेटेड गांधीयन फेज से भी क्वेश्चन मतलब आ रहे हैं कि गांधीयन फेज और इंडियन मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, ये खेड़ा सत्याग्रह में दोनों थे, यहाँ पे अगर आपसे लीडर पूछ दिया जाए कि लीडर कौन थे इनके, तो खेड़ा सत्याग्रह में आपके खेड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी दोनों ने यहाँ लीड किया था, ये हुआ था गुजरात में, ठीक है, तो गुजरात, ये कभी कभी आ जाता है कि कौन से ईयर में हुआ था, तो 1918 कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आता है कि खेड़ा कब हुआ था, अहमदाबाद मिल कब हुआ था, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, ये जैसे, तो इसको आप याद कर ले किसी तरह, इस चीज़ को जितने भी मूवमेंट्स हैं उनको आपको याद रखना जरूरी है, एग्ज़ाम में ये चीज़ फोकस हो रही है, ये एक बहुत ही अच्छा ओवरव्यू है, वीडियो है, इसको आप देख लेने से एक आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर बिल्डअप हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कहाँ कहाँ मैंने लैग किया, लेकिन मैंने जस्ट एक कोशिश की आपको कि आपको याद कराने की कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड और क्या क्या आपको पढ़ने चाहिए, आप सिर्फ इस पर टिक मतलब टिकआउट मत करके रहें कि जो मैंने बताया है वही है, और भी आपको उससे रिलेट करके आपको पढ़ना है, मैं फोकस करा रहा हूँ आपको एरिया और कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस उसमें और एक्सपेक्टेड है मेरी ओर से वो मैं करा दूँ, लेकिन आपको भी अपना काम करना है, बिकॉज आप सारे स्टूडेंट हैं और सबको तैयारी करनी है अपने अपने हिसाब से, तो कोशिश करने के लिए ज़्यादा हम पढ़ सकें, ठीक है। सेवन्थ में आया था IPL विनर, एक क्वेश्चन ये आपका तय है कि IPL मतलब जितने भी स्पोर्ट्स है ना, स्पोर्ट्स से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, IPL हो चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे टेनिस टूर्नामेंट हो, चाहे बैडमिंटन लीग हो, ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनका जितना भी आपको स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट है किसने जीता है ये एक साल के रेंज का आपको याद करके जाना ही जाना है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के हिसाब से मैं IPL का विनर शायद इस बार पूछा गया है, तो मुंबई इंडियंस इस बार के विनर रहे हैं, आप भी जानते हैं किसको हराया था, तो उन्होंने चेन्नई सुपर किंग को 1 रनों से हराया था, 1 रनों की मतलब छोटी सी जीत जो बोल सकते हैं, लेकिन जीत तो जीत होती है, तो मुंबई इंडियंस इस बार के चैंपियन रहे हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है आपको रिलेटेड, फिर 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, इसके विनर कौन है, इंग्लैंड, इसके विनर रहे हैं इंग्लैंड, ये फर्स्ट टाइम जीते हैं, तो इसको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस बेसिस पर जीते हैं, छक्का गिनने के हिसाब से, चौके गिनने के हिसाब से, या पूरी बाउंड्री गिनने के हिसाब से, ये आप जानते हैं अगर आप मैच के शौकीन हैं तो, छक्के यहाँ स्कोर जिसके सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज थे उसके हिसाब से इंग्लैंड को विजेता घोषित किया गया था, क्योंकि दोनों जो टाई जो मैच थे, मैच का जो परिणाम हुआ था, रिजल्ट आया था वो टाई रहा था इन बोथ द केसेस, मीन्स की एक टाई करने के बाद जब सुपर ओवर का मैच एक एक ओवर का मैच हुआ था उसमें भी रन सेम ही आए थे, इसलिए
तो ये याद, ये बहुत ही यादगार मतलब वर्ल्ड कप रहेगा किसी के लिए, किसी भी क्रिकेट फैन के लिए। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो रहे थे, मैन ऑफ द मैच रहे थे आप जानते हैं बेन स्टोक्स, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे केन विलियमसन। याद रखने के लिए कोशिश कीजिएगा। बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास, अगर बुक की पुरानी पुराने वाली लिस्ट है, मैंने इसमें सब कुछ कुछ मेंशन किया हुआ है कि थोड़ा बहुत जो भी हो जाए, लेकिन ये जैसे ये सूटेबल बॉय एक बुक करके आई हुई है विक्रम सेठ। फिर आती है बुक अरुंधति रॉय की, अरुंधति रॉय की, तो जैसे गुड थिंग, ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग करके उनकी एक बुक है। फिर अभी शायद दो तीन बुक और उनकी लॉन्च हुई है। अमिताभ घोष की अभी गन आइलैंड मतलब लॉन्च हुई है। मतलब आपको ना एक एक ईयर से पहले वाले जितने भी हैं उनको कलेक्ट करके आपको याद कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और जो उनके बैकग्राउंड में मतलब 10 साल 20 साल जितना भी है ना, जो एवरग्रीन बुक है उसकी एक सीरीज आती है आप जानते होंगे। मैंने यहाँ कुछ कुछ मेंशन किया हुआ है, लगभग 10 से 12 जो कि आगे आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ता जाएगा तो उसमें आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसको मैं 2 या 3 पार्ट में मैं इस चीज़ को पूरा कराऊँगा, क्योंकि 20-20 ज़्यादा मिनट का वीडियो हो जाएगा, जैसे कि अभी 16 मिनट हो गया 20 मिनट। लेकिन इसमें आपको ये रहेगा कि कॉन्फिडेंस ज़रूर आ जाएगा। तो अभी मैं कोशिश करूँगा कि 20 मिनट में जितना हो पाए अभी, फिर नेक्स्ट वीडियो मैं शाम तक या कल डाल दूँगा इसमें लेकर। ठीक है, आप जरूर से ज़रूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हमारे चैनल के साथ बने रहें बिल्कुल से। ग्रेट बात बुक का मैं बताऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया ग्रेट बात से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था कि ग्रेट बात कहाँ पाया गया था। तो ग्रेट बात से आप समझ रहे हैं एंशिएंट में कौन कहाँ से पाया गया और किसकी खुद ये मतलब ये कौन कहाँ किसकी खोज क्या है पहले किसने की ऐसे करते हैं। तो जैसे कि आपसे क्वेश्चन ग्रेट बात को करके क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपको खुद से कलेक्ट करने हैं कि इससे और क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो ये ग्रेट बात पाया गया था मोहनजोदाड़ो का क्षेत्र में। तो आप जानते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा आता है, मोहनजोदाड़ो आता है, लोथल आता है, ये जितने भी हैं धौलावीरा लोथल ये सब हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही पार्ट रहा है। बिकॉज इंडस वैली को अगर देखते हैं तो इंडस वैली क्यों नाम रखा गया था, बिकॉज इंडस एक रिवर सिस्टम है, इंडस आप जानते हैं इंडस रिवर, उससे रिलेटेड जो भी नदी के किनारे जितने भी बस्तियाँ बसी थी उसके हिसाब से बस्तियाँ बसती गई हजारों साल पहले की, वो उससे रिलेट करके इंडस वैली सिविलाइजेशन वो कहलाने लग गए, क्योंकि नदी के किनारे ही सिविलाइजेशन का उत्पत्ति हुई, वहीं पे लोग बसना स्टार्ट किए और वहीं पे अपना इनका एरा चला उस समय का। तो ग्रेट बात पाया गया था मोहनजोदाड़ो। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि मोहनजोदाड़ो का मीनिंग क्या होता है, तो माउंट्स ऑफ डेड, ये भी क्वेश्चन आप अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो ज़रूर से ज़रूर देखे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा वाटर मार्क ब्रश को साइड किया जाए थोड़ा बहुत बताने के लिए। ठीक है, अब आते हैं, अब बैक हो जाओ। मोहनजोदाड़ो ये तो हो गया। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन अगर कुछ कुछ और बनते हैं तो पूछ सकता है कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर था, मोहनजोदाड़ो का शहर, तो मोहनजोदाड़ो था MI करके, अगर आपको याद हो जाता है, अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए तो MI करके आप इसको याद रखोगे। ठीक है, MI का मोबाइल इतना फेमस है अभी के समय में, तो MI मैं इस चीज़ को ऐसा इंटरलिंक कर रहा हूँ कुछ कुछ करके कि आपको जरूर ध्यान रहना चाहिए। M देख लेना थोड़ा, I, अब MI का मोबाइल फेमस है तो M से हो गया मोहनजोदाड़ो, I से हो गया इंडस, ठीक है, इंडस वैली। अब फिर आता है हड़प्पा, अब आपको हड़प्पा है, हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा, तो यहाँ रा पे ध्यान देना है, हड़प्पा हड़प्पा, तो रा से कौन सा नदी है, रावी नदी। ठीक है, कैसा लग रहा हो बताइएगा। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। लोथल है भोगवा नदी के किनारे, लोथल रहा है भोगवा नदी के किनारे। मेन आप इस चीज़ का ना ये नोट्स टाइप का जितना भी आप इस इन चीज़ों की लिस्टिंग तैयार कर लें, कौन किसके किनारे रहा है इस, क्योंकि अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ग्रेट बात वो चुन के क्वेश्चन आपको दिया है तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उनसे रिलेटेड जो भी अगल बगल के क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपके लिए और, HD, मैंने इस चीज़ को ऐसा रिलेट करने का कोशिश की है जैसे कि कोई चीज़ को, मेरे पास ना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं तो या तो हमको मूवीज़ वगैरह देखनी है तो हम HD में प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो HD और MB भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो MB, ठीक है,
और कभी कभी बोलते हैं कि लेज़र से लगा के देखते हैं, लेज़र, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एच डी से होता है ये हड़प्पा हो गया, तो डी से आप याद रखोगे कि दयाराम साहनी। अगर आपको याद हो जाता है ठीक है, नहीं तो पहले से याद है तो वो भी सही है। जिनको याद नहीं है अगर तो ये चीज़ अगर टर्न करके याद कर लेते हैं तो उनको याद हो जाएगा, ठीक है। एम से है एम बी, तो ये होता है बैनर्जी। कौन बैनर्जी करके हैं, तो ये बैनर्जी करके जैसे मैंने याद किया है तो बी से बैनर्जी। मेन चीज़ ही है या मेन चीज़ एक उसका वो याद आ जाएगा तो आपको याद आ जाएगा, जैसे दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी। डी से मेन चीज़ उसका पकड़ रहे हैं, डी से दयाराम साहनी। एच से हड़प्पा, हड़प्पा किसने खोज की थी, दयाराम साहनी ने। उसी तरह एम बी, ज़्यादा ही गिज हो गई ना, एम बी। एम से हो गया आपको मोहनजोदाड़ो, बी से बैनर्जी, ठीक है। फिर एल एस आर, लोथल का किसने किया था, तो एल एस आर कौन हो गया जी आपके, एल से लोथल हो गया एस आर राव, एस आर राव, ठीक है। अब मेन चीज़ इसलिए कि एम सबसे पहला हुआ था हड़प्पा, अगर साइट के हिसाब से बात की जाए तो 1921 में हड़प्पा का हुआ था, 1921 में उसके जस्ट बाद खुदाई हुई थी। ये जो हड़प्पा और ये मोहनजोदाड़ो, ये दोनों साइट्स ना पाकिस्तान की रावी नदी, उधर आप समझ ही रहे हैं रावी और इंदस, तो पाकिस्तान में ही थी, ये पाकिस्तान में ही इनका मतलब इनकी खोज हुई, ठीक है, ये ध्यान आप रखेंगे। ये 1921 की बात है और 1921 के जस्ट सटे 1922 ही हो गई थी एम से आपका मोहनजोदाड़ो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे जो भी क्वेश्चंस आपके रिलेट होके बनते हैं तो जरूर से जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और, कौन से किस सभ्यता के किनारे साइड में को आपको डॉकयार्ड मिलता है, जो समुद्र का वो डॉकयार्ड जो बोलते हैं, जैसे पोर्ट होता है समुद्री पोर्ट डॉकयार्ड, जहाँ से ट्रेड के लिए समुद्री रास्ता चुना जाता था, तो वहाँ पे डॉकयार्ड मिला है, पोर्ट टाइप का मिला है, ठीक है। तो ये मिला था आपको लोथल में पोर्ट डॉकयार्ड, ऐसे करके किसी तरह रिलेट करके याद कर लें, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये कि इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं, आपके चूड़ी बनाने के साक्ष्य कहाँ मिले थे, कालीबंगन में मिले हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस को देख लेंगे जैसा भी हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं कुछ आपको और बताता हूँ, आगे बढ़ता हूँ इसके लेकर। नालंदा यूनिवर्सिटी से लेकर क्वेश्चन आया हुआ था कि किसने बनाया है चाहे क्या करके, तो शायद ये साइट है कंस्ट्रक्टेड बाय कुमार गुप्त वन, ठीक है। अब ना यहाँ पे एक दो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है अगर आपको याद रखना है, तो उदांतीपुरी भी यूनिवर्सिटी है, जो कि इन लोग इन्हीं सब में आपको ना मेजरली जो पार्ट वो रहता था वो पढ़ाया जाता था बुद्धिज़्म का, बुद्धिज़्म रिलेटेड लिटरेचर रहते थे, बुद्धिज़्म रिलेटेड आपके जो भी फिलासफीज़ वगैरह थी इनमें, इन यूनिवर्सिटीज़ में उनको पढ़ाया जाता था। तो मेनली जो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी कह सकते थे, तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी वो कंस्ट्रक्टेड हुई थी कुमार गुप्त वन के द्वारा, कुमार गुप्त वन, तो गुप्त है यहाँ लगा हुआ तो गुप्ता डायनेस्टी से जाता है। तो अगर उल्टा भी कर सके पूछता है कौन सा डायनेस्टी है, तो गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। अब पूछ सकता है आने वाला और एग्जाम में कि डिमोलिश किसके द्वारा की गई थी, तो बख्तियार खिलजी। एक वर्ड में याद रखें कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, उदांतीपुरी यूनिवर्सिटी, ये तीनों को डिमोलिश करने का श्रेय जाता है बख्तियार खिलजी को, ठीक है। लोग यहाँ कन्फ्यूज होते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी। बी से याद रखना है आपको बिहार, और बिहार का खिलजी, ऐसा करके कोशिश करना आप, बिहार का खिलजी, बख्तियार खिलजी। आप अगर बिहार जानते हैं तो बख्तियारपुर भी नाम है एक पटना के सटे, एक पटना ही में शायद आता है वो शायद, तो बख्तियार खिलजी करके होता है। तो बिहार से याद रखना है, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी आप जानते हैं कि वो बिहार का पार्ट है नालंदा में, तो नालंदा बिहार, तो नालंदा के बिहार को बिहार बी खिलजी, तो बी खिलजी की कोशिश करना आप कि बी खिलजी से याद रहे, बख्तियार खिलजी ने इसे डिमोलिश कर दिया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एम्फीबियन प्लांट से रिलेटेड या कुछ करके ऐसा था, और कोई फायर से रिलेटेड क्वेश्चन था बायो का, ये एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया। बायो को आप थोड़ा ढंग से देख लेंगे, प्लांट से रिलेटेड एम्फीबियंस ग्रुप्स जो हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप अपने से पढ़ लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आते हैं क्वेश्चन अकबर से रिलेटेड, अकबर से रिलेटेड रिलीजन बेस्ड रिलेटेड आए थे, तो आपको यहाँ ये याद रखना कि अकबर जितनी भी पॉलिसी लाए हैं, अभी जितनी भी पॉलिसी लाए हैं हिस्ट्री में, वो आपके लिए अब इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। अकबर ने और मुगल्स ने जो भी पॉलिसीज लाई है, जैसे मनसबदारी सिस्टम्स, महलवाड़ी सिस्टम, कौन से एरा में आई है, जो भी सिस्टम है, लैंड सेटलमेंट, परमानेंट लैंड सेटलमेंट एक्ट, कौन ये गवर्नर के समय आया, किसने ये पास किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। यहाँ अकबर वाला हो गया
मुगल में वो आया था जो महलवाड़ी सिस्टम मैंने बताया आपको, ठीक है, मनसबदारी सिस्टम, सॉरी। तो अकबर ने न्यू रिलीजन से शायद क्वेश्चन आया था कि किसने स्टार्ट किया है, कौन सा न्यू रिलीजन को स्टार्ट किया, तो दीन ए इलाही करके था, ठीक है, दीन ए इलाही। इस पर इन्होंने ऐसा रिलीजन मतलब बनाया कि इसमें लोग आकर अपनी सारे ग्रुप्स के लोग आए, जैसे कि बुद्धिस्ट हैं तो वो आएँ, ज़ोरास्ट्रियन हैं वो आएँ, हिंदू हैं हिंदू के कुछ नेताज आएँ, मतलब वो लोग आएँ, मतलब सूफी मतलब संत सेंट वगैरह आएँ, आप मुस्लिम्स के हैं, तो सारों का मिल के कि क्या है, उस पर चर्चा की कौन सा चीज़ को हम बेहतर अपनाएं, क्या सही होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसको लेकर एक और रिलीजन्स का एस्टेब्लिशमेंट की इन लोगों की बैठक में। बट मेरे हिसाब से ज़्यादा ध्यान नहीं आ रहा है, दो या चार लोग ही इसको ज्वाइन किए थे अकबर, जैसे कि एक उनका बीरबल, बट मैं सक्सेसफुल नहीं रहा था तो जल्द से जल्द ही दब गया। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले कौन थे, जैसे कि अभी पूछा हुआ है शायद कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की, अब उल्टा भी पूछ सकता है कि किसने की थी, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जहाँ तक मैंने सुना है स्टूडेंट से, और जो मैंने पहले अगस्त वाले वीडियो में अगर आप देखोगे तो उसमें भी पहले दो तीन वीडियो में ही दिखा होगा कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, तो रिपीट हो रहे हैं इसलिए आपको ये क्वेश्चन देखने भी ज़रूरी है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने भी बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ यही नहीं पढ़ना है आपको, जो मैंने बताया वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, मैंने आपके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा किया है, लेकिन आपको भी थोड़ा मेहनत करना है। आपको मैंने एक एरिया दिखा दिया है, अब एक क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबल वाटर ट्रांसपोर्टेशन अगर प्लांट में होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो जाइलम है, तो जल जैसे कहीं पढ़ा था मैंने, तो जल से जल, जाइलम जल, तो जल का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में, तो जल जाइलम याद रख लेंगे। फिर फूड के लिए होता है तो फाइलम, फूड का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में होता है तो फूड से फाइलम, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों शायद आए हुए थे, पता नहीं क्या, एक ही आया होगा, ठीक है। अब जिसे मैंने बताया कि दीन ए इलाही नॉट सक्सेसफुल, और पहले कौन थे तो बीरबल थे। एबॉलिश्ड जिज्या टैक्स सबसे पहले एक बार अगर आप देखोगे तो जिज्या टैक्स क्वेश्चन हमेशा आता रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। जिज्या का टैक्स था वो नॉन मुस्लिम पे लगता था, मेनली कहा जाए तो ब्राह्मण्स पे लगाया जाता था और जो भी हिंदूज थे उन पे लगाया जाता था, ठीक है, तो नॉन मुस्लिम में हिंदूज मेनली थे यहाँ इंडिया में। तो जिज्या टैक्स लगाने का सबसे पहला जो लगाने का श्रेय जाता है वो अलाउद्दीन खिलजी को जाता है, अलाउद्दीन खिलजी जो पद्मावती वाले हैं उन्हीं को जाता है, पद्मावत में जो अलाउद्दीन खिलजी को बताया गया है वही है वो, अपने आप को सेकेंड अलेक्जेंडर अपने आप को बताते थे, ठीक है, सिकंदर सैनी करके वो अपने आप को बताते थे, सेकेंड अलेक्जेंडर अपने आप को घोषित करते थे कि मैं सेकेंड अलेक्जेंडर हूँ, लेकिन खुद बोलते थे। फिर अबॉलिश जिज्या टैक्स, तो मतलब पहले तो लाए थे अलाउद्दीन खिलजी, कुछ दिनों के बाद चल के मोहम्मद बिन तुगलक आए, उन्होंने जिज्या टैक्स को हटा दिया, लेकिन फिर उनके बाद के रूलर आए फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने जिज्या टैक्स फिर से इम्पोज कर दिया। फिर ये जो जब ये आपके ये दिल्ली सल्तनत की बात चल रही है, जब ये दिल्ली सल्तनत डाउनफॉल में आता है और इनका उदय होता है मुगल साम्राज्य का, तो आते हैं हमारे अकबर जी, अकबर आते हैं मुगल साम्राज्य से, ठीक है, अकबर होंगे मुगल से। तो मुगल्स जब आते हैं तो उसमें जब डाउनफॉल के बाद इन्होंने शायद 1574 में इस चीज़ को हटा दिया था, फिर से जिज्या टैक्स को बैन कर दिया। आप जानते होंगे कि अकबर की पत्नी थी जिनको जोधा बाई के नाम से भी जानते हैं, उनको हीराबाई ओरिजिनल में नाम है उनका है, तो वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या ओरिजिनल नाम है। मरियम उज्जमानी के नाम से जानी जाती थी, बहुत अजमेर में मन्नत मांगे थे तब जाके जहांगीर का जन्म हुआ था, ठीक है। तो जहांगीर और उनकी माँ, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, उनकी माँ जैसे कि ये क्या नाम है, जोधा बाई को ये लोग कहते थे मरियम उज्जमानी, ठीक है। जिज्या टैक्स ख़त्म करने का श्रेय जाता है दोबारा से, जब फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था तो इनके पीरियड में आ चुके हैं, तो अकबर ने इस चीज़ को हटाया क्योंकि वो हिंदू से शादीवादी हुई थी तो उनके कल्चर्स को समझने लग गए थे, इसलिए ये दीन ए इलाही वाला कल्चर हुआ, इबादत खाना, मतलब थोड़ा इवॉल्विंग चीज़ को कर रहे थे अकबर, ठीक है, इसलिए उनको द ग्रेट अकबर कहा जाता है। अभी तक के इतिहास में तीन लोगों को ही ग्रेट कहा जाता है, जैसे कि आपके अलेक्जेंडर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट और अकबर द ग्रेट, इन्हीं तीनों में लगाया जाता है, तो इनके अच्छे अच्छे कामों के लिए ही इनको किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो CRR रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR से रिलेटेड क्वेश्चन थे, पता नहीं किस किस से थे, तो मैंने सारे मेंशन कर दिया, आप इनके सारे
मतलब डेफिनेशन वगैरह पढ़ के जाएँ ढंग से, कैसे क्वेश्चन आ रहा है उसके हिसाब से। यही आपका होगा कि कोई ये बढ़ रहा है तो वो घटेगा, ये इन्फ्लेशन होगा तो किस चीज़ को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो होगा, तो ये चीज़ ये आपके बुद्धि पर ही है, इसको आपको लेक्चर के तौर पे मतलब एक पढ़ना होगा, इसके लिए समझ थोड़ा आप बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बुक्स को जैसे मैंने आपको बताया था कि बुक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने कुछ बुक्स जैसे बोले थे कि मैंने यहाँ नोटिस किए हैं आपके लिए, नोट किया है, जैसे कि पंचतंत्र आपके लिए क्वेश्चन शायद इसमें आया हुआ था, मैं बता रहा हूँ आपको, कादम्बरी शायद आया हुआ है एक क्वेश्चन, और एक दिन में शायद आया था शाहनामा आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ आप देख सकते हैं सेकेंड वाले लाइन में है शाहनामा करके हैं। दूसरा क्वेश्चन आया था पंचतंत्र, कौन सा आया था, माइक ट्रूथ या कुछ करके आया था, एक सेकेंड और देखो आप ऊपर होगा, सत्यार्थ प्रकाश, हाँ सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है, तो दयानंद सरस्वती ने लिखा था। ठीक है, तो पहले पंचतंत्र, पहले बुक्स का नाम आप जरूर से जान लें, 30 मिनट का वीडियो हो चुका है, सॉरी गाइस, मैं इसको एक पार्ट और बनाऊंगा, उस वो पार्ट आप जरूर देख लेना, इसके साथ सम अप हो जाएगा तो आपको हर चीज़ लगभग आपको एक बूस्टअप मिल जाएगा कि हाँ मैं तैयार हूँ इन सब क्वेश्चन को डील करने के लिए। ठीक है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, कादम्बरी बाणभट्ट, कुमार संभव कालिदास, महाभारत वेद व्यास, लोग कन्फ्यूज होते हैं, महाभारत वेद व्यास किसी तरह याद कर लो आप, रामायण वाल्मीकि। ठीक है, फिर से देखो आप इसको महाभारत को महावेद कर लेना आप, महावेद। ठीक है, महावेद है, रामायण एक याद हो जाएगा तो याद आ जाएगा। ठीक है, फिर ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, ये सब इम्पॉर्टेंट है अभी के एग्ज़ाम के लिए, जो भी अभी आने वाले एग्ज़ाम है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप देखना जरूर से ज़रूर, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब आपको कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, जो भी आपको इससे हट के और भी क्वेश्चन लगते हैं कि हाँ आपके हिसाब से, तो आप ज़रूर से उन्हें पढ़ लेंगे। ठीक है, माई ट्रूथ करके क्वेश्चन है तो वो इंदिरा गांधी ने लिखा था, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ अगर कोई पूछता है तो महात्मा गांधी ने लिखा था, एक क्वेश्चन शाहनामा फिरदौसी ने लिखा था, मालगुड़ी डेज बहुत इंपॉर्टेंट, मालगुड़ी डेज शायद क्वेश्चन आया हुआ है मालगुड़ी डेज का, और गाइड का आ सकता है अगर मैं बोलूँ तो गाइड और मालगुड़ी डेज दोनों लिखा है आर के नारायण ने, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये बुक लिखा है कार्ल मैक्स ने, एक बुक आप याद रख लेंगे मे कैम्फ, अगर आप पढ़े होंगे जरूर सुने होंगे इस चीज़ को, मे कैम्फ लिखा था आप, चलो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि मे कैम्फ किसकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें इनका नाम कि कौन इन्होंने लिखा है, किसने लिखा है। ठीक है, मालगुड़ी डेज, गाइड आर के नारायण, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वो भी कार्ल मार्क्स, मैंने लिखा नहीं है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसको आप जरूर लिख लेंगे, वेल्थ ऑफ नेशन इकोनॉमिक्स पढ़ते ही के साथ आपको अगर कोई बुक बताई जाएगी तो वेल्थ ऑफ नेशन को बताया जाएगा, एडम स्मिथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं कोशिश अभी 50 क्वेश्चन अभी और भी है यहाँ पे मेरे पास रैंकिंग्स रिलेटेड जो और भी क्वेश्चन है, कल के वीडियोज़ जो आए हुए थे मैं इसको कोशिश करता हूँ कि शाम तक या कल सुबह तक मैं इसको पोस्ट कर दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस चीज़ को रिवीजन करें, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, एक झलक मैं दिखा देता हूँ, मैं कोशिश करूँगा इस चीज़ को कि मैं जल्द से जल्द ख़त्म कर दूँ बताकर, तो इस चीज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स, ताकि हमारे साथ आप चैनल के साथ बने रहें, और आने वाले वीडियो जितना भी क्वेश्चन आ रहे हैं उन चीज़ का मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक समअप वीडियो बना दूँ 1-2 दिन के बाद, ताकि ना आपको आने वाले दिक्कत एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो उससे रिलेटेड, क्योंकि समअप वीडियो बनेगा तो पूरा एग्ज़ाम में आपको पूरे एग्ज़ाम भर में फ़ायदा होगा। वैसे जैसे जैसे एग्ज़ाम होते जाएंगे मैं कोशिश करूँगा कि उन एक एक दिन पे जितने भी एग्ज़ाम होते जा रहे हैं, आपसे भी ये तहे दिल से रिक्वेस्ट, जो क्वेश्चन हैं आप मेरे मेल आईडी पर जरूर आकर जरूर शेयर करें, ताकि अदर स्टूडेंट को भी फ़ायदा हो, जैसा कि मैंने सबका नाम लिया, प्लीज़ उनको सबसे अभी भी धन्यवाद कि आपने क्वेश्चन बताया, और बाकी लोगों को बिल्कुल इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन, आने के बाद अब कोशिश होती है तो प्लीज़ वीडियो क्वेश्चन जरूर डालें फिर से, थैंक यू।